मुर्गी की रसोई में आपका स्वागत है। आपको पता है ईद आ गई है, यार तो आज हम आपको ये सीख खुरमा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए सेवई, ये पैकेट में मिलती है, किसी भी बाजार में अवेलेबल है। उसके बाद ये चाहिए ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स जो सूखे रखे हुए हैं इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जैसे मखाना, गरी, ठीक है, और जो भी डालना हो, कुछ चिरौंजी वगैरह, तो इसको हम घी में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये है हमारे भीगे हुए, देखिए ऐसे भिगा दिए हमने ये गर्म पानी में, और अगर गर्म पानी में नहीं भिगोना चाहे ये आसानी से छिलका होता जाता है, और फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने प्लेट में छिलके रखा है। ऐसे ही बाकी के भी हम सारे कर लेंगे, ये देखो, और सेम ऐसे ही पिस्ता भी हो जाता है, ये छिलका इसका भी उतार देंगे, ये देखो, ये है देखो, इसकी स्किन में से भी निकल जाता है आराम से। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, या आपके पास जो भी बर्तन हो जिसमें बनाना चाहे पैन वगैरह, तो उसमें घी डालेंगे। सीर खुरमे में घी थोड़ी ज़्यादा डालती है, फिर इसको डाल देंगे, 3 चम्मच लिए मैंने, जितने हिसाब से आप सभी लें उस हिसाब से ले लें। तो ड्राई फ्रूट वगैरह और ज़्यादा करना चाहे और कर सकते हैं आप, इसमें खजूर, छुआरे, अगर छुआरा डालें तो भिगो के। तो पहले हम ये घी में मखाने निकाल लेंगे, जैसे कि मखाने ज्यादा नहीं बहुत जला देना हमें, बस थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, इसको करके फिर ऐसे ही हम सारे जो है भून लेंगे, सूखे ड्राई फ्रूट्स और ये गीले वाले जो हमारे भीगे हुए थे वो भी। हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट भून लिए हैं, कुछ छिलके वाले, कुछ हमने क्रिस्पी आने के लिए बिना बिना छिलके वाले भी बादाम मतलब वैसे ही डाले, जिससे थोड़ा क्रंची नजर है। अब उसके बाद इसी घी में ही सेवई भी भून लेंगे, बारीक तोड़ लीजिए थोड़ा, 2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम हो रही है तो। मुझे सेवई थोड़ी सी बस हल्की सी घी में भून जाए, बहुत जला नहीं लेना है, दोनों साइड से पलटना, चाकू या चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं अगर दिक्कत आ रही हो। ये देखिए सेवई अच्छे से भुन गई है, इसको निकाल लेंगे। सेवई हमारी अच्छे से भुन चुकी है, इसे निकाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे ऐसे। और सेवैया देखिए कितनी अच्छी कलर आ गई है, बस ज्यादा नहीं करना वरना जल जाएंगे, फिर निकाल लेंगे। फिर से क्या होगा, फाल ज्यादा प्लेट नहीं बस यही बर्तन, ये अगर आप इमामी समी बनाना चाहें तो इसी में ही चाशनी बना लीजिए, जैसे गुलाब जामुन वाली बनती है ना, दाल मत बनने दीजिए, वो शहद की तरह चिपकने लगे, मैंने सिखाया है कई बार, तो उसको जो है बना करके और उसमें 1 कप दूध डाल दीजिएगा, उसको थोड़ा देर पकाएंगे 2 मिनट और उसके बाद इसमें डाल दीजिए और उसको ढक के पकने दीजिए 10-15 मिनट, तो आपकी इमामी समी तैयार हो जाएगी। और खोया डालना चाहे तो वो रिचनेस के लिए। तो फिलहाल हम सीख खुरमा बना रहे हैं, तो हम दूध डाल देंगे, थोड़े सॉर्ट कर लेंगे, फिर दूध इसी में डाल देंगे। अगर आपके पास बर्तन बताना चाहे तो बता सकते, हम बचा रहे हैं। देखिए इसी में ही हम पानी डाल देंगे जैसे दूध जलेगा, ये इसलिए करा है क्योंकि दूध तले में ना छिड़के। आप एक काम कर सकते हैं, इसी में थोड़ा 1 चम्मच घी डाल के इलायची डाल दीजिए, फिर पानी डालना अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं इलायची नहीं डालती। सेवई के हिसाब से हम दूध को डाल लेंगे, जितनी आपकी सेवई होगी, और दूध थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, अगर कम लगे तो और बाद में ऐड कर सकते हैं। और अच्छी बनाना चाहे, रिचनेस थोड़ी लाना चाहे तो कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, पर ऐसे भी अच्छा बन जाता है अगर आपके पास शुद्ध दूध आ रहा हो तो अच्छा बनता है गाय के लिए। तो हमारा शुद्ध दूध है गाय का, बढ़िया बनेगा भी, तो गाढ़ा होने देंगे थोड़ी देर 5। दोस्तों तो ये दूध हमारा अच्छे से कंडेंस हो गया है, जितना हमने डाला था उससे, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं करना, रबड़ी नहीं बनानी है, तो 5 से 10 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा। और ये अगर मान लीजिए आपको लगता है जैसे कम पड़ गया, ठीक है, तो एक साइड दूसरे पैन में आप दूध को बॉइल करके इसमें डाल सकते हैं, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, वैसे है नहीं था। ये देखिए अच्छे से डूबा है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़ा अच्छे से मिला लें, और ये प्लेट वाले भी क्लीन कर देते हैं स्पून की सहायता से, फिर हम इसमें
इसको आप डालने के बाद से भैया ज्यादा नहीं पकाना, बस ढक्के से रख देंगे चीनी डालने के बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट, और उसके बाद 20-25 मिनट के लिए ढक के रख रहने देंगे गैस की फ्लेम ऑफ करके। तो आप चीनी डाल देंगे, प्लेट साफ करते हो और ढक के रख देंगे, 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है, गैस की फ्लेम ऑफ करके ध्यान रखिएगा। चीनी डालने के बाद तुरंत ही फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा सेव चूरमा बिल्कुल तैयार है, ये ऑयल भी आने लगा है इसमें, और देखिए अच्छी खासी ये ठीक हो गई है। अगर आप चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन ठीक अच्छी लगती है। अगर आप जमाना चाहें मतलब फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना चाहें तो दूध डाल दीजिए आप उसमें, और ये चीनी अब ऐड करेंगे क्योंकि बॉइलिंग प्रोसेस हो चुका है। तो आप गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और चीनी डाल के ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट, और रबड़ी जैसा टेस्ट आएगा। आपको चिल खानी है तो आप एक काम कीजिए, बॉइलिंग के बाद दूध बॉइल करके अच्छे से डाल दीजिए इसमें, कम से कम एक कटोरा और मतलब इतना कि सेवई के ऊपर से थोड़ा डूब जाए इतना डाल दीजिए, ठीक है साहब, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर बाद ठीक हो ही जाएगा, तो इसीलिए। और बाकी आपको गर्म खानी है थोड़ी, जैसे मैं बता रही हूँ मैं खाऊंगी, तो उस हिसाब से आपके लिए ठीक है, बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये रहा सेव चूरमा रेडी। ये देखिए गैस की फ्लेम ऑफ है, और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए, और इसको बराबर से हिला के तुरंत ही ढक दीजिए, प्लेट से ढक देंगे, ठीक है। ये प्लेट लिया इसे ढाल देंगे, और गैस की फ्लेम देखिए बंद ही है, तो छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट, उसके बाद दिखा। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सीर खुरमा रेडी है, कितनी अच्छी है और ठीक लग रही है। इसीलिए मैंने कहा था दूध डाल दीजिएगा अगर आप फ्रिज में रखेंगे खाना चाहेंगे तो, हमें क्योंकि थोड़ी लुकवार्म पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तो जब आप 20 मिनट रख देंगे तो उतना ठंडा गर्म के हिसाब से रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, वो खाने लायक रहेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब। तो देखिए कितनी बढ़िया है, रबड़ी जैसा टेस्ट है, आ गया ना मुँह में पानी, और बहुत ही बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर खाइए, बना करके ट्राई कीजिए, आप भी बहुत पसंद आएगी आपको, और हेल्दी भी है, इसमें घी है, बोन्स के लिए अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स है वो तो अच्छा होता ही है, दूध है और सेवई है, आपने देखा है। आप इसमें चावल को भी थोड़ा बॉईल करके, जैसे खीर वाला होता है थोड़ा सा चावल लीजिए वो भी डाल सकते हैं, इससे क्या होगा थोड़ा स्टार्च रिलीज करेगा तो उसका और यम्मी टेस्ट आएगा, बट ऐसे भी खाएंगे तो कम नहीं है, मस्त है, बढ़िया बढ़िया लगेगा आपको। और चाहे तो मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं ओरिजिनल्स के लिए, पर ओरिजिनल दूध का टेस्ट भी अच्छा आता है, अगर आपके पास गाय या भैंस का दूध मिल रहा है ओरिजिनल तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मिल्क पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है कंडेंस मिल्क की, ठीक है। तो अगर फिर से बता रहे अगर ठंडा करके खाना चाहें तो दूध इतना होना चाहिए कि ये भरी दिखनी चाहिए और ये सेवई ठीक नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो जमने के बाद ऐसे आ जाएगा मतलब फ्रिज में जाने के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे खाना हो तो बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है हमारी सेव चूरमा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और हैप्पी ईद सभी को, ईद मुबारक हो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।